अगर मैं आपसे इस धरती की सबसे ताकतवर और खतरनाक सांप की बात करूं, तो आपके दिमाग में टाइटेनोबोआ का नाम ही सबसे पहले आएगा। और वही दूसरी तरफ सबसे खतरनाक शार्क का नाम मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। अब एक सांप और शार्क दोनों ही पानी में आराम से रह सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसीलिए अगर समुन्द्र में यही दो जानवर अगर एक साथ लड़ने लगे तो कैसा होगा? तो सबसे पहले हम मेगालोडॉन के बारे में बात कर लेते हैं। इस विशालकाय जीव का इस धरती पर होने का सबूत हमें तब मिला जब साइंटिस्ट ने 7 इंच लंबे दांतों के एक फॉसिल्स को ढूंढ निकाला। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब उन दांतों से उसके जबड़े को बनाया गया तो वो इतना बड़ा था कि उसमें 3 इंसान आराम से फिट हो सकते थे। वही अगर हम टाइटेनोबोआ की बात करें तो साल 2009 में इसके होने का सबूत मिला। इस समय उन्हें जमीन के नीचे से 42 फीट लंबे सांप के फॉसिल्स मिले। इंसानों को जब इस सांप के बारे में पता चला तो वो हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि धरती पर इतने बड़े सांप भी कभी एग्जिस्ट करते थे। मेगालोडॉन आज से 2.5 करोड़ साल पहले समुन्द्र पर राज किया करते थे और वो आज से 36 लाख साल पहले ही विलुप्त हो गए। और दूसरी ओर टाइटेनोबोआ इस धरती पर 6 करोड़ साल पहले से रहते थे, लेकिन वो मेगालोडॉन के आने से पहले ही इस धरती से खत्म हो चुके थे। जिसका सीधा मतलब ये है कि इन दोनों जीवों की आपस में लड़ाई कभी नहीं हुई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि धरती के सबसे बड़े सांप के साथ अगर सबसे बड़े शार्क की लड़ाई होती तो उनमें से कौन जीतता? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे। मेगालोडॉन की लंबाई करीब 18 मीटर यानी 60 फीट के आसपास होता था, जो कि आज के टाइम पर मौजूद सबसे बड़ी शार्क द ग्रेट व्हाइट शार्क से काफी बड़ा था। मेगालोडॉन के जबड़े 3 मीटर और इनमें 270 दांत होते थे और इनकी लंबाई 3 से 7 फीट का होता था। ये शार्क किसी भी शिकार पर हमला सामने से नहीं बल्कि साइड से करता था। मेगालोडॉन जब किसी शिकार को अपने मुंह में दबोचता था तो उसका प्रेशर करीब 10 टन के आसपास होता था, जो किसी भी कछुए के सेल को आसानी से तोड़ सकता है। समुद्र के अंदर रहने वाले ये शार्क अपनी तेजी के लिए भी जाने जाते थे, क्योंकि कोई भी शार्क अगर 22 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तैर पाए तो वो कोई मजाक नहीं है। वही टाइटेनोबोआ के आने के पहले 100 सालों तक जाइगेंटोफिश को ही सबसे बड़ा सांप माना जाता था, जो लंबाई में 10 मीटर यानी 33 फीट के होते थे। और साइंटिस्टों का दावा था कि इससे बड़े सांप इतिहास में कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। पर जब टाइटेनोबोआ के फॉसिल्स को खोजा गया तो उसने दुनिया भर के साइंटिस्टों को हैरान कर दिया, क्योंकि टाइटेनोबोआ की लंबाई 42 फीट थी, जो जाइगेंटोफिश से भी 10 फीट लंबा था। टाइटेनोबोआ आज के एनाकोंडास की तरह ही दिखते थे, लेकिन आकार में उनसे बड़े और ताकतवर होते थे। टाइटेनोबोआ भी एक आम सांप की तरह अपने शिकार के विंड पाइप को तोड़कर उसका दम घुटकर मार देता था, और वो उस शिकार को तब तक जकड़ के रखते थे जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए। रिसर्चर्स की माने तो ये सांप अपने ज्यादातर समय पानी में गुजारा करते। मेगालोडॉन की तरह ये भी पानी में बहुत तेजी से तैर सकता था, पर उनके तैरने की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास था, जो मेगालोडॉन की रफ्तार का आधा भी नहीं था। इसका मतलब ये निकलता है कि रफ्तार के मामले में मेगालोडॉन टाइटेनोबोआ से काफी आगे है। तो अगर टाइटेनोबोआ को मेगालोडॉन से जीतना है तो उसे सबसे पहले मेगालोडॉन के शरीर को जकड़ना होगा, क्योंकि टाइटेनोबोआ आखिर एक बहुत बड़ा सांप ही है, और हर सांप की तरह वो भी अपने शिकार को दबोचकर ही मार सकता था। लेकिन मेगालोडॉन के शरीर को जकड़ना लगभग नामुमकिन होगा, क्योंकि जहां टाइटेनोबोआ की लंबाई 42 फीट है तो ही मेगालोडॉन की लंबाई 60 से 70 फीट के आसपास था, और एक मेगालोडॉन का वजन 10 हाथियों के बराबर हुआ करता था, जो टाइटेनोबोआ के वजन से करीब 8 गुना ज्यादा है। जिसका सीधा मतलब ये है कि टाइटेनोबोआ अगर मेगालोडॉन के शरीर को जकड़ भी ले तब भी उसे जान से मार पाना नामुमकिन हो जाता, क्योंकि मेगालोडॉन के लिए उसके जकड़न को तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती। इन दोनों की लड़ाई में अगर देखा जाए तो टाइटेनोबोआ की लंबाई ही उसके लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता, क्योंकि इतनी बड़ी साइज होने की वजह से मेगालोडॉन के लिए उसे पकड़ना और भी आसान हो जाता, क्योंकि मेगालोडॉन उसके शरीर के किसी भी हिस्से को आसानी से पकड़ सकता था, और इस केस में टाइटेनोबोआ कुछ भी नहीं कर पाता। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि मेगालोडॉन की बाइटिंग फोर्स 10 टन के आसपास होता था, और अगर गलती से भी टाइटेनोबोआ सिर्फ एक बार के लिए ही मेगालोडॉन के जबड़े में फंस जाए तो पलक झपकते ही उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। और तो और टाइटेनोबोआ के पूरे शरीर को खाने के बाद भी मेगालोडॉन का पेट नहीं भरता। तो आई होप इन सब इन्फॉर्मेशन से आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों की लड़ाई में आखिर कौन जीतता। लेकिन मैं आपकी राय भी जानना चाहता हूँ, जो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।